सांप का जिक्र होते ही हमारे मन में भय और उत्सुकता दोनों जाग जाती है। सांप पृथ्वी पर लाखों सालों से रहते आ रहे हैं। कुछ बेहद ही विषैले होते हैं तो कुछ फुर्तीले और शक्तिशाली, कुछ छोटे होते हैं तो कुछ विशालकाय। नमस्कार, मैं हूं संदीप और स्वागत है आपका जीव ज्ञान में। आइए जानते हैं दुनिया के 10 सबसे विशालकाय सांपों के बारे में। अगर आप जीव ज्ञान पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री में हमारे नोटिफिकेशंस को पाने के लिए घंटे को दबाना ना भूलें। नंबर 10, येलो एनाकोंडा। येलो एनाकोंडा साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं और यह औसतन 9 से 11 फीट लंबे और 28 से 40 किलोग्राम वजनीय हो सकते हैं। येलो एनाकोंडा अपना अधिकांश जीवन जलीय भूमि के आसपास ही बिताते हैं, क्योंकि यह शिकार और प्रजनन पानी के अंदर ही करते हैं। इनके आहार में कछुए, मछलियाँ, जंगली सुअर और कभी कभी छोटे हिरन इत्यादि भी शामिल हैं। आमतौर पर येलो एनाकोंडा अपने रिश्तेदार ग्रीन एनाकोंडा से छोटे होते हैं और कभी कभी उनका खुराक बन जाते हैं। येलो एनाकोंडा बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है और इनके अवैध शिकार की वजह से शायद बहुत ही जल्द ये इंडेंजर्ड प्रजाति के श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। नंबर 9, किंग कोबरा। किंग कोबरा भारत के वर्षा वनों और मैदानी इलाकों के साथ साथ दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। किंग कोबरा औसतन 5 से 6 मीटर या 17 से 19 फीट लंबे और लगभग 14 से 15 किलोग्राम वजनीय हो सकते हैं। किंग कोबरा दुनिया के सबसे बड़े विषैले सांप हैं और आज के इस लिस्ट में शामिल होने वाले इकलौते विषैले सांप हैं। किंग कोबरा के आहार में अन्य विषैले और बिना विष वाले सांप शामिल हैं और साथ ही यह गिरगिट, अंडे और अन्य छोटे स्तनधारियों को खाते हैं। किंग कोबरा इकलौते ऐसे सांप हैं जो अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। इन्हें उकसाए जाने पर यह अपना फन फैलाकर गुर्राते हैं। इनकी जंगलों में लगभग 20 साल की आयु होती है। नंबर 8, पापुआ ओलिव पाइथन। पापुआ ओलिव पाइथन को एपोडोरा भी कहा जाता है और यह पापुआ न्यू गिनी में पाए जाते हैं। यह लगभग 13 फीट लंबे और 25 से 28 किलोग्राम वजनीय हो सकते हैं। अजगर की यह प्रजाति घने जंगल में रहने की वजह से बहुत ही कम प्रसिद्ध है। यह अजगर दूसरे सांपों को तथा अन्य छोटे स्तनधारियों को खाते हैं और भोजन के अभाव होने पर यह अपने ही अन्य अजगर रिश्तेदारों को खा जाते हैं। यह ज्यादातर रात में बाहर आते हैं और इनकी जंगलों में लगभग 18 से 20 साल की आयु होती है। नंबर 7, बोआ कंस्ट्रिक्टर। बोआ कंस्ट्रिक्टर सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। यह लगभग 13 फीट लंबे और 40 से 45 किलोग्राम वजनीय हो सकते हैं। यह आमतौर पर अकेले रहना पसंद करते हैं और मादा बोआ कंस्ट्रिक्टर एक बार में लगभग 70 सांपों को जन्म दे सकती हैं। जंगल में यह बंदरों से लेकर जंगली सुअरों तक का शिकार करते हैं। यह अपने शिकार को जकड़कर उसका दम घोट देते हैं और उन्हें साबुत ही निगल जाते हैं। चमगादड़ इनका पसंदीदा आहार है और यह अक्सर ही गुफाओं के बाहर लटक कर चमगादड़ों का इंतजार करते हैं। इनकी जंगलों में लगभग 30 साल की आयु होती है। नंबर 6, इंडियन रॉक पाइथन। इंडियन रॉक पाइथन भारत, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज में पाए जाते हैं। यह लगभग 20 फीट लंबे और 80 से 90 किलोग्राम वजनीय हो सकते हैं। अजगर की यह प्रजाति एंडेंजर्ड जीव की श्रेणी में आ चुकी है। इन अजगरों का शिकार इनके चमड़े, मांस और खून के लिए कई सालों से किया जा रहा है। कई स्थानीय लोगों की यह सोच है कि इनके खून से औषधीय लाभ मिलता है। इनके विशालकाय शरीर के वजह से शिकारी इन्हें किसी ट्रॉफी से कम नहीं समझते। इनके आहार में पक्षियों से लेकर मछलियां और हर तरह के स्तनधारी शामिल हैं। इनकी जंगलों में लगभग 22 से 28 साल की आयु होती है। नंबर 5, बर्मीज पाइथन। बर्मीज पाइथन लगभग 85 से 100 किलोग्राम वजनीय और 16 से 23 फीट लंबे हो सकते हैं और साथ ही यह एक बेहतरीन शिकारी है। बर्मीज पाइथन दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। अजगर की यह प्रजाति आज विलुप्त होने के कगार पर खड़े हैं। कई सालों से इनका शिकार इनकी खूबसूरत खाल के लिए किया जा रहा है। इनके खाल से जूतों से लेकर पर्स तथा अन्य लग्जरी आइटम बनाए जाते हैं। इनके आहार में पक्षी तथा अन्य छोटे स्तनधारी शामिल हैं। कैप्टिविटी में इनकी लगभग 50 साल की आयु होती है। नंबर 4, अफ्रीकन रॉक पाइथन।
अफ्रीकन रॉक पाइथन लगभग 25 फीट लंबे और 100 किलो से ज्यादा वजनीय हो सकते हैं। अजगर की यह प्रजाति अफ्रीका महाद्वीप पर पाए जाने वाले सबसे बड़े सांपों की प्रजाति है। अफ्रीकन रॉक पाइथन लगभग कुछ भी खा लेते हैं। यह एंटीलोप्स, बंदर, मॉनिटर गिरगिट, कुत्ते तथा भेड़ बकरियों को जकड़कर उनका दम घोटकर उन्हें साबुत निगल जाते हैं। सन 1958 में जब एक अफ्रीकन रॉक पाइथन का शिकार किया गया था, तब उसके पेट से एक नाइल मगरमच्छ पाया गया था। जंगलों में इनकी आयु 18 से 27 साल, वहीं कैप्टिविटी में इनकी आयु 30 साल तक हो सकती है। नंबर 3, एमेथिस्टीन पाइथन। एमेथिस्टीन पाइथन को स्क्रब पाइथन भी कहा जाता है। यह लगभग 28 फीट लंबे और 95 से 100 किलोग्राम वजनीय हो सकते हैं। ये उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी में पाए जाते हैं। इनके आहार में चूहे, पक्षी, छोटे कंगारू तथा अन्य स्तनधारी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ये सबसे बड़े सांप हैं, और इनको यह नाम एमेथिस्टीन, जिसका मतलब है नीलम, इनके गाढ़े बैंगनी रंग के वजह से मिला है। इनकी जंगलों में औसतन 14 से 15 साल की आयु होती है। नंबर 2, रेटिक्यूलेटेड पाइथन। यह विशालकाय अजगर लगभग 25 से 29 फीट लंबे और 150 से 160 किलोग्राम वजनीय हो सकते हैं। इनका साम्राज्य पूरे साउथ ईस्ट एशिया में फैला है। इनके आहार में लगभग हर तरह के जीव शामिल हैं, जैसे कि सुअर, पक्षी, कुत्ते, हिरन, गिरगिट इत्यादि। आमतौर पर यह मनुष्यों को नहीं खाते हैं, पर अगर आप इनकी विशालकाय आकार को देखें तो भूखे होने पर आसानी से मनुष्य को अपना शिकार बना सकते हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जब लोग इन्हें अपने घर पर पालतू बनाकर रखे हों और यह अजगर अपने मालिक को ही जकड़कर उनका दम तोड़ दिया है। ना जाने लोग इतने विशालकाय अजगर को कुत्ते बिल्लियों की तरह अपने घर पर पालतू बनाकर क्यों ही रखते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यह अजगर गजब के तैराक होते हैं और इनकी जंगलों में आयु लगभग 15 से 20 साल तक की हो सकती है। नंबर 1, ग्रीन एनाकोंडा। गिनी के अंदर छुपकर अपने शिकार का पानी के करीब आने का इंतजार करते हैं। अपने शिकार को अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप विभिन्न जीव के बारे में जानने में रुचि रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।